अभी ना मैंने इसकी पीडीएफ फाइल शेयर करूंगा मैं, अभी आज आप फिगर बनाऊंगा, फिगर से आप क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है? अभी मैंने पीडीएफ फाइल बनाई नहीं है इसकी। वेटिंग में बस वेट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं पेज रन करूंगा, इस पेज पे आएगा ना, आपके सामने एक फिगर आएगी, ठीक है? आप फिगर से क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। आप पहले फिगर ड्रॉ कर लो, एक सर्कल टाइप बना लो ऐसे, उसके अंदर आपको बनाना है। ये फिगर है, मतलब फिगर मैं बताता हूँ क्या है, पहले आप ये बना लो, फिगर ड्रॉ कर लो। ये ड्रॉ कर दो आप फिगर, हमने ड्रॉ कर दी फिगर, ठीक है? अपना इसका छोटा सा क्वेश्चन सुन लो, चाहे लिखना मत, वैसे तो ये टॉय मेकिंग कंपनी है, तो उसने क्या करे, टॉय बनाया है। देखो ये बाहर स्फेयर है, उसके अंदर एक सिलेंडर बना हुआ है, ठीक है? जो हाइट और रेडियस है सिलेंडर की, वो क्वेश्चन में मेंशन की जा रही है, कैपिटल एच और कैपिटल आर, हाइट ऑफ रेडियस है सिलेंडर, और जो स्फेयर आपको दिख रहा है उसकी रेडियस फिगर में शो की गई है स्मॉल ए, ठीक है? तो आपको कुछ आंसर देने हैं इसके, आपको बताया था क्या क्वेश्चन है, ऑप्शंस भी दूंगा मैं आपको, क्वेश्चंस भी देता हूँ। पहला क्वेश्चन, द रिलेशनशिप बिटवीन, कैपिटल आर एंड कैपिटल एच इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, आप आपको सिर्फ ऑप्शन बताने हैं अभी, ठीक है? एक्सप्लेनेशन नहीं पूछ रहा मैं आपसे, मैंने रिकॉर्ड नहीं की क्लास, मैंने रिकॉर्डिंग पे डाली सर, हुई यस सर, है। कैपिटल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ऑप्शन बी, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल एच स्क्वायर अपॉन टू इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ऑप्शन सी, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल एच स्क्वायर अपॉन फोर इक्वल टू ए स्क्वायर एंड डी, नन ऑफ दीज। फटाफट
फटाफट से बता दो, आर में एच में क्या रिलेशन है? सी, ओके, एनीबडी एल्स? सी, दो बच्चों को ऑप्शन सी। ये वन मार्क क्वेश्चन हो गया, देखो आपका एमसीक्यू है। इसमें कुछ भी लॉजिक नहीं है, कोई डेरिवेटिव नहीं है, कुछ नहीं है, आप बिल्कुल ठीक बता रहे हो, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो बहुत बहुत आसान है, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये राइट ट्रायंगल बना हुआ जिसमें हाइपोटेन्यूज है, इसमें पाइथागोरस लगानी है, ए स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस, और ये जो आपका सेंटर है ना स्फीयर का, ये पूरी हाइट टोटल एच है, तो ये मिड में आएगा बिल्कुल, ठीक है। अब ये ऐसे देखो प्रूव नहीं करना पड़ेगा आपको, ये अंडरस्टूड होगा या बाय डिफॉल्ट देना पड़ेगा, ये मिड में आएगा ना, तो ये वाली जो हाइट है ये एच अपॉन टू हो जाएगी और ऊपर वाली भी एच अपॉन टू हो जाएगी, तो एच स्क्वायर अपॉन फोर, तो सिंपल हो गया आपका ऑप्शन सी हो गया, ठीक है। ऑप्शन, अब इसका क्वेश्चन नंबर टू सुनो। अब देखो ये क्या करेंगे आपसे ना, एक एक करके रिलेशनशिप बनवाते जा रहे हैं, ये बन गया रिलेशनशिप जिसको आप ना दो वेरिएबल में यूज करोगे, ये आपसे ऐसे करवाते चले जाएंगे। देखो अब उसके बाद आपको कहेंगे, देखो क्वेश्चन क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वी इन टर्म्स ऑफ एच, इन टर्म्स ऑफ एच। अब ये ऑप्शंस ले लो आप, ये सॉरी बी पार्ट नहीं है, क्वेश्चन नंबर टू है इसका, ऑप्शंस नोट कर लो। वॉल्यूम है या तो पाई ब्रैकेट ए स्क्वायर कैपिटल एच माइनस एच क्यूब अपॉन फोर, दूसरा ऑप्शन है पाई ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन फोर, तीसरा ऑप्शन है पाई ब्रैकेट ए स्क्वायर एच प्लस एच क्यूब अपॉन फोर, और चौथा ऑप्शन है इसमें पाई ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपॉन फोर। इनमें से जरा कोई ऑप्शन बताओ, सिलेंडर का वॉल्यूम वी आपको निकालना है, इन टर्म्स ऑफ एच निकालना है। सर ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ओके, एनीबडी एल्स? चैट बॉक्स में लिख दो अगर आ गया है तो, ऑप्शन ए मिशिता सिंह, थोड़ा जल्दी लिख सर, ए ऑप्शन, तो बच्चों का ए ऑप्शन हो गया। बहुत आसान है, पहला आप सिलेंडर का वॉल्यूम लिख लो क्या होता है, ओरिजिन वॉल्यूम, और फिर ये जो फर्स्ट पार्ट का रिलेशनशिप आपने बनाया हुआ है ना ये वाला, इसको यूज करके आप अपना ऑप्शन ढूंढ सकते हो इसमें से। यही तो हम लोग कर रहे थे मैक्सिमम मिनिमम में, फंक्शन बनाते हैं वॉल्यूम का, उसमें दो वेरिएबल आते हैं, फिर ये एक रिलेशनशिप होता है, इसमें से वैल्यू निकाल के पुट करते हैं, ये आपसे स्टेप बाय स्टेप करवा रहे हैं बस। भाई बताएं ऑप्शन ए, सर ए ही आ रहा है, ए ही आ रहा है। एक बार मैं बताया तो देखो, वैसे ना सेंटर का वॉल्यूम होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एच, अब कैपिटल आर स्क्वायर की वैल्यू आप इस रिलेशन से निकाल लो फर्स्ट पार्ट से और यहाँ पुट कर दो, तो कैपिटल आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन फोर और मल्टीप्लाई में एच। अब इस एच को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ए स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब अपॉन फोर, यस ऑप्शन ए आपका मैच कर रहा है। देखो इस एच को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका ऑप्शन ए मैच करेगा, ठीक है, ये वॉल्यूम हो गया अभी। अब आप इसका थर्ड क्वेश्चन लिखो, सबको क्लियर हो गया ये? यस सर, यस सर, ठीक है। अब देखो इसका थर्ड ऑप्शन क्या है, थर्ड क्वेश्चन आ गया आपके सामने। अब आपसे कहेंगे वैल्यू ऑफ एच बताओ, वैल्यू ऑफ कैपिटल एच व्हेन वॉल्यूम वी इज मैक्सिमम, ठीक है। अब आपसे एच की वैल्यू पूछ रहे हैं जबकि कह रहे हैं वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए, ऑप्शंस आप नोट कर लो और मुझे एच की वैल्यू बता दो। मैक्सिमम के लिए क्या करोगे ये आप जानते ही हो, मैक्सिमम मिनिमम कुछ भी करना है आपको, क्या करना है आपको पता है, ऑप्शंस मैंने लिख दी है इसमें से, देखो कोई एक ऑप्शन करेक्ट हो। एच की वैल्यू जबकि वी वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा उसके लिए आपको वॉल्यूम का, और वॉल्यूम आपने सेकंड पार्ट में निकाला था। सर 2a बाय रूट 3, मतलब ऑप्शन डी? यस सर, ओके, ऑप्शन डी आ रहा है, ओके, एनीबॉडी एल्स? लाइव वीडियो बना के लाइयो,
वीडियो बना के लाओ, वीडियो मत बना के लाओ भाई। अनुपति कर रहा हूँ बेटा, हुआ भाई बताओ, जल्दी बताओ बच्चों, ऐसे टाइम लगाओगे तो बहुत देर लग जाएगी ना ऐसे। तो देखो वॉल्यूम आपने बना लिया था ना फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में उसको लिख लो और उसको डिफरेंशिएट करके जीरो के इक्वल पुट कर दो। a स्क्वायर h माइनस h क्यूब अपॉन 4, ये था ना आपका, सॉरी यहां बाहर पाई था, पाई a स्क्वायर h माइनस h क्यूब अपॉन 4, इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू h, तो ये पाई ऐसी रहेगा, a स्क्वायर के साथ h का 1 हो गया और माइनस इसका हो गया 3h स्क्वायर अपॉन 4, इसको यहाँ पे जीरो के इक्वल रखो। एमसीक्यू क्वेश्चन है, शॉर्टकट मारो सारा, पाई चला गया जीरो के डिवाइड में, ए स्क्वायर की वैल्यू हो गई 3h स्क्वायर अपॉन 4, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर अपॉन 3h स्क्वायर, तो h की वैल्यू आएगी 2a अपॉन रूट 3, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। देखो अब देखो ये वॉल्यूम मैक्सिमम मिनिमम है, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अब, हम तो ये मान के चलेंगे अब क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन है कि ये लोकल मैक्सिमा ही होगा, ठीक है ना, हम सेकंड डेरिवेटिव में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। सर वैसे सेकंड डेरिवेटिव में प्रूव कैसे करेंगे कि ये ग्रेटर देन जीरो? देखो सेकंड डेरिवेटिव जैसे ही है ना आपका, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करो तो डी स्क्वायर बी अपॉन डी एच स्क्वायर निकालते हैं, तो पाई तो चलो बाहर रहेगा, ए स्क्वायर का जीरो माइनस सिक्स एच अपॉन 4, तो ये तो वैसे ही नेगेटिव आ रहा है, ये आ रहा है माइनस सिक्स पाई एच अपॉन 4, एच जो भी होगी ये नेगेटिव रहने वाला है हालत में, तो इसका मतलब ये लोकल मैक्सिमा है ना। देखो आपको सेकंड डेरिवेटिव कब चेक करना होगा, जब आपका एक ऑप्शन इसमें नन ऑफ दीज आ जाएगा, नन ऑफ दीज का मतलब ये है कि इसमें से कोई एच की वैल्यू नहीं है जिसपे वॉल्यूम आपका मैक्सिमम है, लेकिन चार ऑप्शन है, नन ऑफ दीज नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है इसी पर आपका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, तो आप ना इसको आप इसको किसी भी हालत में सेकंड डेरिवेटिव में टाइम वेस्ट मत करना, आपकी मर्जी है, आप करना चाहो तो कर लो, है ना, मतलब टाइम वेस्ट है। अब आगे का पार्ट सुन लो, तो ये तो हमारा हो गया, अब पार्ट फोर में कहता है, ये क्वेश्चन फोर डालता है इसका, और उसमें पूछता है आपसे वैल्यू ऑफ आर, कैपिटल आर, वैल्यू ऑफ आर, फिर से चार ऑप्शन है, ए मल्टीप्लाई होल अंडर रूट 3/2, बी ऑप्शन a multiply whole under root 2/3, c option a multiply whole under root 7/5, और d option a multiply whole under root 5/3। अब h निकल चुका है, देखो वॉल्यूम मैक्सिमम हो चुका है, इस h की वैल्यू से अब आपसे पूछ रहा है वो r की वैल्यू बताओ, फटाफट से बता दो जरा इनमें से कोई एक ऑप्शन, वैल्यू ऑफ r, सर b, b सर b, a अंडर रूट 2/3 कैसे निकालिए, बिल्कुल वो जो फर्स्ट वाला पार्ट किया था ना उससे निकलेगी, देखो ये जो फर्स्ट वाला पार्ट किया था यहाँ पर आप h की वैल्यू पुट करके, या देखो यहाँ पे आपने r स्क्वायर पुट किया था ना, a स्क्वायर माइनस h स्क्वायर अपॉन 4, यहाँ से निकलेगी आपकी r की वैल्यू, r स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस h स्क्वायर अपॉन 4, तो यहाँ पे आप बस h की वैल्यू पुट कर दो, ये 2a अपॉन रूट 3 का स्क्वायर कर दो, 1 अपॉन 4 साइड में कर लो, 4a स्क्वायर अपॉन 3, 4 से 4 गया, ये बचेंगे 2a स्क्वायर अपॉन 3, ये लेकिन r स्क्वायर की वैल्यू होगी, तो r की वैल्यू हो जाएगी होल अंडर रूट 2 अपॉन 3 इनटू a, तो आपका b ऑप्शन करेक्ट हो गया, तो ये r आ गया और h आपकी पहले से आ गई थी। अब इसका फिफ्थ पार्ट सुनो, फिफ्थ पार्ट, वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम b इज, अब मैक्सिमम वॉल्यूम जितना भी है उसकी वैल्यू भी बतानी है आपको, मतलब वॉल्यूम निकालना है सीधा सीधा, 4 अपॉन 3 अंडर रूट 3 पाई ए क्यूब, दूसरा ऑप्शन 2 अपॉन 3 अंडर रूट 3 पाई ए क्यूब, तीसरा ऑप्शन 3 अपॉन 2 अंडर रूट 2 पाई ए क्यूब, और फोर्थ ऑप्शन 5 अपॉन 3 अंडर रूट 3 पाई ए क्यूब, मतलब आपको सेंटर का वॉल्यूम भी बताना है जो मैक्सिमम है इसका। सर फर्स्ट वन एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ, कुछ भी नहीं करना है, देखो आर और एच की वैल्यू आ चुकी है, वॉल्यूम में रखना है बस। यस सर, ए
ए आ रहा है, यस ए ही आ रहा है, फोर अपॉन थ्री रूट थ्री पाई हो जाएगा ना सबका, ये वॉल्यूम था ना आपका पाई आर स्क्वायर एच, इसमें आर और एच की वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई कर दो, दैट्स ऑल। तो जो भी वॉल्यूम आएगा वो मैक्सिमम माना जा रहा है, हम तो मान चुके हैं मैक्सिमम है, ये ऑप्शन आपका मैच कर जाएगा। हो गया सबका, हो गया बच्चों, जल्दी कर लो जरा। yes, ठीक है, फिर नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं फिगर बनाया था, इस बार भी आप लोग ट्राई करना, मेरा सॉल्यूशन मत करवाना मुझसे। ये एक ना बिल्डिंग का गेट है इस शेप में, मतलब ट्रेपेजियम की शेप में गेट बना हुआ है बिल्डिंग का। अच्छा, अब इसमें कुछ डायमेंशंस मेंशन की गई, आपको नोट कर लो, ये 10 मीटर दी हुई है, ये भी 10 मीटर दी हुई है साइड, ये भी 10 मीटर दी हुई है, और यहाँ पे दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए हैं यहां से और यहां से, ये गेट हो गया, और ये कुछ डायमेंशन और शो की जा रही है फिगर में, ये एक्स है, ये भी एक्स है, और ये जो हाइट है गेट की, ये दोनों साइड से एच है, क्योंकि ट्रेपेजियम है तो एच दोनों तरफ से सेम है। ठीक है, ये तो हो गया आपकी फिगर, ये बीच का हो जाएगा आपका 10 मीटर, मतलब एक बिल्डिंग का फ्रंट गेट है जो इस फिगर की शेप में है, और ये ट्रेपेजियम है, तो सब कुछ दिख रहा है हमें जो जो है ट्रेपेजियम में। तो आपके, मैं सारे क्वेश्चंस एक साथ लिख रहा हूँ, आप मुझे आंसर्स बता दो। रिलेशन बिटवीन एक्स एंड एच, अब देख रहे वही शुरू कर दिया, पहले रिलेशन बनवाएंगे, फिर आपसे फंक्शन बनवाएंगे, फिर डिफ्रेंशिएट करवाएंगे। सेकेंड ऑप्शन, चलो मैं तो सारे लिख दिए वैसे तो, अब आप करते चले जाओ जल्दी जल्दी, इसका सेकेंड पार्ट लिख लो, उसके बाद एरिया ए ऑफ गेट, ये जो गेट है ना उसका एरिया का फंक्शन बनाना है आपको। ऑप्शंस आर 10 + x √100 + x² 10 - x √, दिशा एक बार चेक कर लो फर्स्ट का, फर्स्ट का ऑप्शन ए आ रहा है, बी आ रहा था सर, बी सर, बी आ रहा है सेकंड। अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ फर्स्ट तो बड़ा आसान है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो बस, और क्या, दो राइट ट्रायंगल बन रहे हैं ना, दोनों साइड पे सेम राइट ट्रायंगल है, किसी भी एक राइट ट्रायंगल को लेकर उसे पाइथागोरस लगा दो, तो फर्स्ट का तो ठीक है बी आ रहा है। ठीक है दिशा, फर्स्ट का मैं बी लॉक कर रहा हूँ, सेकंड में आपको एरिया का फंक्शन बनाना है ट्रेपेजियम के एरिया का, सेकंड का सी आ रहा है निशिता का। ओके, तो देख लो भाई आप लोग, इसका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला याद होना चाहिए तब बन पाएगा, और अगर आपका सेकंड पार्ट हो गया है तो थर्ड स्टार्ट कर दें जिनका सेकंड हो चुका है। एरिया का फंक्शन बनाने के बाद ये आपसे पूछेंगे वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू बताओ व्हेन ए इज मैक्सिमम, ए मतलब एरिया इज मैक्सिमम, यहाँ पे वैल्यूज दी हुई है 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर और 20 मीटर। फटाफट से करो, देखो भाई क्वेश्चंस हैं, रिलेशनशिप बनवा लेते हैं पहले, फिर फंक्शन बनता है, फंक्शन में दो वेरिएबल आते हैं, एक वेरिएबल की वैल्यू रिलेशन से निकालते हैं, फंक्शन बन जाता है, फिर डिफरेंशिएट करते हैं, यही देखो ये करवा रहे हैं,
बल्कि हमारे लिए आसान करवा रहे हैं क्वेश्चन को। भाई सेकंड ऑप्शन आया किसी का? सेकंड क्वेश्चन सॉरी, निशिता ने शायद सी बोला था आंसर। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए बस, और कुछ नहीं है। सर वैसे स्क्वायर और ट्रायंगल ऐड भी कर सकते हैं। हाँ ऐसे कर सकते हो, बीच का रेक्टेंगल और दो राइट ट्रायंगल को ऐड कर लो, ऐसे बना सकते हो, मर्जी है। वैसे देखो आपको पता होना चाहिए सबको, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला सबको आना चाहिए, चाहे आप जैसे मर्जी यूज करो उसके बाद। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ मल्टीप्लाई सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, जो पैरेलल साइड्स है उनका सम। तो एक साइड 10 है और एक दूसरी साइड जो पैरेलल है वो 10+2x है, ठीक है। तो आपका सम आ जाएगा 10+2x और इनटू हाइट। फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ ब्रैकेट में से 2 कॉमन ले सकते हो, तो 5+5 10+x बचेगा। और यहाँ पे हाइट की वैल्यू पुट कर लो रिलेशन नंबर 1 से। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर 100 हुआ था ना, तो वहां से h की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से जो 2 कॉमन लिया था वो 2 से 2 कैंसिल। तो ये लो जी, ये आपका फंक्शन तैयार है, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ये ऑप्शन सी से मैच हो रहा है। Got it? Yes, sir. Yes, sir. थर्ड पार्ट में काम करो, फंक्शन रेडी कर लिया आप लोगों ने, एरिया का ये रहा। अब इसको डिफरेंशिएट करो, जीरो से इक्वेट करो, एक्स की वैल्यू चेक करवाओ मुझे जल्दी से। किसी का आंसर नहीं आया, एक्स की वैल्यू अभी तक नहीं आई किसी की, स्ट्रेंज क्या हो गया इसमें? देखो डिफरेंशिएट तो करना है, डीए अपॉन डीएक्स 10 प्लस एक्स का 1 अंडर रूट सेम प्लस, अब 10 प्लस एक्स को छोड़ो, अब अंडर रूट का करते हैं 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ अंडर रूट एक्स, और अंडर रूट के अलग सा करेंगे तो -2x, ये 2 से 2 कैंसिल करो, रख दो इसको 0 के इक्वल। तो ये 100 माइनस एक्स स्क्वायर एक तरफ आ जाएगा और इक्वल टू में ये सारा चला जाएगा, क्योंकि ये माइनस का है ना देखो, तो ये x इनटू 10 प्लस एक्स और अपॉन अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आया माइनस एक्स है ना। अब तो ये उधर जाके प्लस एक्स हो गया, हाँ ये माइनस है वैसे, बस मैंने 2 से 2 कैंसिल किया है, ठीक है ना। अब इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई भेजो, तो रूट से रूट मल्टीप्लाई कर रहे हो और सेम है तो रूट कैंसिल हो गया। अब रह गया यहाँ पे 100 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे रह गया x इंटू 10 प्लस एक्स, करो इसको आगे करो, आप लोग ही करो। सिंपल एलजेब्रा है, फिर क्या करना है 100 माइनस एक्स स्क्वायर के ना फैक्टर्स भी कर लेना 10 प्लस एक्स 10 माइनस एक्स वाले, ये इधर आ जाएगा ना x इंटू, अब इसके दो फैक्टर कर लो इधर, एक 10 माइनस एक्स एक 10 प्लस एक्स, इधर ये एक्स इंटू 10 प्लस एक्स कैंसिल कर दो क्योंकि इससे एक्स की वैल्यू माइनस 10 निकलेगी। अब यहां से एक्स निकाल लो, अब बताओ देखो कितना आया, नहीं आया समझ में बच्चों, बताओ मैं दोबारा बताऊं, सर रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करके कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ा, अगर अंडर रूट को हमने रखा भी अपने पास तो भी कोई हमें कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ा। देखो x की वैल्यू तो आ ही रही है, 10 माइनस x को x से इक्वेट करके देखो तो 10 इक्वल टू 2x और दैट इंप्लाइज करके लिख लो x की वैल्यू 5 आ रही है, बस 5 मीटर आंसर हो गया। देखो मर्जी आ, देखो आपकी स्क्वायरिंग करके भी कर सकते हो, तो ये आपका ऑप्शन ए मैच हो गया। देखो
एक्स की वैल्यू निकल आई, जबकि एरिया, अब हम इसमें सेकंड डेरिवेटिव नहीं निकालेंगे, टाइम वेस्ट है, हम तो मान के चलेंगे यही है लोकल मैक्सिमा जो निकला है, एक्स की वैल्यू जो 5 निकली है ना यही लोकल मैक्सिमा है, ये रहा। आया सही में नहीं आया? Yes, sir. अच्छा फोर्थ पार्ट करो इसका, वैल्यू ऑफ एच, अब एच की वैल्यू पूछ रहे हैं आपसे, ये वैल्यू ऑफ एच व्हेन एरिया इज मैक्सिमम, अब ये निकाल के बताओ मेरे को। चलो 5√2, 5√3, 10√2, 10√3, देखना क्या आ रही है इसमें से। वैल्यू ऑफ एच, एच निकालो जबकि एरिया मैक्सिमम होना चाहिए, 5√3, 5√3, 5√3। अच्छा निकाली कैसे ये और बता दो बस, कैसे फाइंड आउट किया? हाँ आपने जो रिलेशनशिप पहले वाला बनाया था ना ये इसमें रख के, तो देखो एक दूसरे से ना इंटरकनेक्टेड है सब ये पार्ट्स एक दूसरे से, तो अब आपने x निकाल लिया 5, वो यहाँ पे रख दो, 5 का स्क्वायर 25 उधर जाके माइनस होगा, 75 बचेंगे, और 75 का अंडर रूट 5√3 होता है, बिल्कुल ठीक है, वर्बली हो गया ये, तो आपका ऑप्शन हो गया है। अब इसका फिफ्थ पार्ट सुनो क्या कह रहे हैं ये, अब पता क्या करेंगे फिफ्थ पार्ट में, आपसे मैक्सिमम एरिया पूछ लेंगे मेरे ख्याल से, तो ये मैं देख लेता हूँ रुको। हाँ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरिया खत्म, अब एरिया भी निकाल दो भाई जरा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरिया ए इज, ऑप्शन नहीं दे रहा हूं ऐसे ही बता दो जरा, फिल इन द ब्लैंक्स मान लो, चलो कैलकुलेट करके जल्दी से एरिया बता दो। अब तो आपके पास रेडियस भी आ गई, हाइट भी आ गई, 10 + 5√3 कितना, 15 + 5√3 नहीं बेटा ये तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा, सो 75√3 यस ये ठीक है। इशिता गलत क्यों हुआ भाई, एरिया का फंक्शन बनाया था ना हमने, कौन सा वाला था देखो, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें रख दो ना ये रहा एरिया, ये रहा ना एरिया, प्लस कर दिया दोनों, अच्छा ओके भाई इसमें रख दो ना, ये आपने थर्ड जो सेकंड पार्ट किया था वहां आपने एरिया का फंक्शन बनाया था ना, उसमें डाल दो एक्स की वैल्यू, देखो ये वर्बली कर लो, 10 + 5 = 15 और अंडर रूट 100 - 5 का स्क्वायर हो गया आपका 25 यानी 75, 75 में से एक 5 का पेयर बाहर आ जाएगा, 3 अंदर रह जाएगा, तो आंसर हो गया 75√3, इतने मीटर स्क्वायर गेट का एरिया हो गया, गॉट इट? यस सर। सबको आया सही में कैसे बनी ये रियली केस स्टडी, सिंपल है देखो, आपको हर चीज स्टेप बाय स्टेप आपसे पूछते चले जाते हैं वो बस, वरना अगर नॉर्मल क्वेश्चन हो ना तो आपको सोचना पड़ता है कि कैसे बने बनेगा फंक्शन कैसे बनाना है। नेक्स्ट ट्राई करो, चलो इस बार कोई फिगर गिवन नहीं है, मैं आपको लैंग्वेज में दूंगा क्वेश्चन। साहिल ऑफलाइन टाइमिंग ना मैं इस वीक के बाद नेक्स्ट वीक से शुरू करूंगा, 1st of September से इस वीक, और आप पढ़ लो बस, फिर नेक्स्ट वीक से 100% शुरू कर दूंगा ऑफलाइन। क्वेश्चन लिखिए भाई, थर्ड है, द सम ऑफ द सरफेस एरिया, द सम ऑफ द सरफेस एरियाज ऑफ अ रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड विद द साइड्स एक्स कॉमा 2x and x upon 3 and a sphere of radius y, small y,
is given to be constant. मतलब एक रेक्टेंगुलर पैरेललोपिप्ड है और एक स्फीयर है. ये पता है किसी को रेक्टेंगुलर पैरेललोपिप्ड क्या होता है? ये देखा है किसी ने? रेक्टेंगुलर पैरेललोपिप्ड आप सबने देखा है. मालूम है किसी को क्या होता है ये? नो सर. ये क्यूबॉइड होता है, जैसे जूते का डब्बा है ना, वो क्यूबॉइड की शेप में होता है. कोई भी आप रेक्टेंगुलर बॉक्स ले लो तो रेक्टेंगुलर पैरेललोपिप्ड को क्यूबॉइड कहते हैं. ठीक है, लिख लेना कहीं आपको याद ना रहे. रेक्टेंगुलर पैरेललोपिप्ड मींस क्यूबॉइड. तो एक अब इसका मतलब रेक्टेंगुलर पैरेललोपिप्ड जबरदस्ती वर्ड यूज किया गया. देखो चेक कर रहे हैं, देखो किसी को पता ही नहीं पता. तो रेक्टेंगुलर पैरेललोपिप्ड यानी क्यूबॉइड हो गया. अब उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट दे दी आपको क्यूबॉइड की. ये एल है, ये बी है, ये एच मान लो. एक स्फीयर है, वाई उसकी रेडियस है. दोनों का सरफेस एरिया आपको कांस्टेंट दिया हुआ है. ये नहीं पता कितना दिया हुआ है, आप खुद ही मान लेना, जैसे के मान लेना. अच्छा, अब ये तो हो गया आपका क्वेश्चन. अब इसके बाद जो क्वेश्चन करने हैं सॉल्व वो लिख लो जरा. आपको करना क्या है, पहले मैं इसका फर्स्ट पार्ट दूंगा आपको. फर्स्ट पार्ट में लेट द कॉन्स्टेंट बी एस, मतलब आपको के नहीं लेना है. ये कह रहे हैं कॉन्स्टेंट को एस लो. तो अब देखो इसमें से चार ऑप्शन है, आपका कौन सा मैच करेगा. S is equals to 4x square plus 6y square. Option B, 6y square pi, sorry. Option B, S is equals to 6x square plus 4 pi y square. Option C, S is equals to 2x square plus 3 pi y square. And fourth option, S is equals to 3x square plus 2pi y square. पहले तो आप इनमें से रिलेशन मेरे को बताओ कौन सा वाला ठीक है. आपने क्या करना है, सिंपल क्यूबॉइड का सरफेस एरिया ले लो, प्लस करो उसमें स्फीयर का सरफेस एरिया जो 4pi r square होता है, और उसको s के इक्वल रख दो. अब देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका मैच करेगा. क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालना आता है सबको. क्यूबॉइड की छह सरफेस होती है, तीन एक जैसी, तीन एक जैसी. हो गया. तीन चैट बॉक्स में आंसर आए हुए हैं, एक मिनट. शुभम का बी आ रहा है, निशिता हाँ यही होता है वैसे तो. दिशा का भी बी आ रहा है. देखो बस आपको ना क्यूबॉइड का सरफेस एरिया मालूम होना चाहिए. ट्वाइस एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, और इसमें प्लस करो 4 पाई आर स्क्वायर. बस अब यहाँ डायमेंशंस पुट करके देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है. इतनी देर लगाओगे तो भी पेपर छूट जाएगा आपका. ऑप्शन बी आ रहा है ना. हाँ ठीक है, और बच्चों को ऑप्शन बी आ रहा है. देखो मैं करके बताया तुम, मान लो किसी को नहीं आ रहा. तो जैसे अब मैं सरफेस एरिया निकालूंगा, डायमेंशन क्या लिख लो एक बार. ये लेंथ, ये ब्रेथ, ये हाइट, जैसे मर्जी मान सकते हो इनको आप. तो 2 एल इंटू बी 2x स्क्वायर प्लस बी इंटू एच 2x स्क्वायर अपॉन 3 प्लस एल इंटू एच एक्स स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 4 पाई आर स्क्वायर. आर आपकी वाई है, इसको एलसीएम लेके ऐड कर लो. ये हो जाएंगे 3 एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे. 3 टू जा 6 प्लस 2 8 प्लस 1 9 एक्स स्क्वायर अपॉन 3 और प्लस 4 पाई वाई स्क्वायर. 3 से 9 कैंसिल कर दो तो ये फाइनल बन रहा है 6 एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई वाई स्क्वायर. अब देखो कौन सा ऑप्शन मैच हुआ. ऑप्शन बी आपका मैच हो गया. Got it. अब इसका सेकंड पार्ट सुन लो जरा. ये तो था भाई, आपने रिलेशनशिप बना लिया. देखो अब ध्यान रखना है, s कांस्टेंट है, x और y इसमें वेरिएबल हो गए. आगे चलते हैं. अब इसका सेकंड क्वेश्चन कहता है, वो सेकंड क्वेश्चन लिख लो अब आप इसका.
इफ कंबाइंड, इफ कंबाइंड वॉल्यूम इज वी, कंबाइंड मतलब क्यूबॉइड और स्फीयर का वॉल्यूम अगर वी है तो फिर से चार ऑप्शन है, देखो क्या कह रहा है ये, 4/3 पाई वाई क्यूब प्लस देन वी इज, ये वी आपको बताना है इनमें से कौन सा है, 4/3 पाई वाई क्यूब अपॉन 2/3 एक्स क्यूब, दूसरा ऑप्शन 2/3 पाई इंटू वाई क्यूब प्लस 4/3 एक्स क्यूब, सी ऑप्शन है 4 पाई वाई क्यूब प्लस 2x क्यूब, और एक लास्ट ऑप्शन है 2 पाई वाई क्यूब प्लस 4x क्यूब। आपको बताना है इसमें से कौन सा वॉल्यूम है, कंबाइंड वॉल्यूम। निशिता का ऑप्शन ए आ चुका है, लेट्स सी अदर्स। यस सर, ए ए आ रहा है, ठीक है, सिंपल है ना, वॉल्यूम तो l इंटू बी इंटू एच करके निकाल लो, वो तो क्यूबाइड का हो जाएगा, दिशा का भी है, शुभम का भी है, ठीक है, और स्फेयर का वॉल्यूम ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई वाई क्यूब देख लो किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, बस तो यही ऑप्शन ठीक हो गया लो, क्योंकि 4/3 पाई वाई क्यूब तो ए ही ऑप्शन में है ना। चलो अब आपका ये फाइनल हो गया, बी जो है इसमें ऑप्शन हमने मार्क कर लिया है, ए हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है, ये हमारा बी हो गया। अभी आपसे क्या पूछेगा, देखो ये वॉल्यूम बना लिया ना आपने, अब आप इसका थर्ड पार्ट लिख दो, थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, अब इसमें इफ वी इज मिनिमम, इफ वी इज मिनिमम देन रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, अगर आपका वी मिनिमम है तो एक्स और वाई के बीच में रिलेशन बताना है आपको, फर्स्ट ऑप्शन एक्स इक्वल टू 2y, सेकेंड ऑप्शन एक्स इक्वल टू 3y, थर्ड ऑप्शन वाई इज इक्वल टू 2x, और फोर्थ ऑप्शन वाई इज इक्वल टू 3x। अब पता आपको क्या करना होगा, ये जो ऊपर आपने सेकेंड पार्ट में वॉल्यूम निकाला हुआ है ना, इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा आपको। अच्छा, अब डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे, दो वेरिएबल आ रहे हैं एक्स और वाई, तो आपने जो फर्स्ट पार्ट में निकाला था, फर्स्ट पार्ट का रिलेशन ये रहा, ये इक्वल टू एस था, इसमें से अपने हिसाब से कोई एक वैल्यू निकालो एक्स या वाई की जो आपको सूट करती है, वो वाई की एक्स की वैल्यू निकाल के इन टर्म्स ऑफ एस यहाँ पर आ जाओ वॉल्यूम में, यहाँ जाओ वॉल्यूम में पुट करो जहां आपको ठीक लगता है, उसके बाद डिफ्रेंशिएशन करके जब जीरो के इक्वल रखोगे ना, तब पता चलेगा क्या वैल्यू आ रही है, समझिए। अब आप करो जरा इसको, अच्छा मुझे बता भी दो वॉल्यूम में वैल्यू किसकी पुट करना आसान रहेगा, वाई की या एक्स की, इसमें से क्या निकालें, वाई निकालें एक्स निकालें, ये जो आपने एक्स निकालना चाहते हो, चलो कोई भी निकालनी पड़ेगी, निकालनी तो पड़ेगी, देखो तो हाँ कोई भी निकाल दो, वैसे एक्स निकालना ज्यादा आसान लग रहा है मेरे को भी, एस माइनस 4π/y² और यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी एस माइनस 4π/y² अपॉन 6 का होल अंडर रूट, ये एक्स की वैल्यू आ गई ना, अब इस वैल्यू को वॉल्यूम में ले जाके डाल दो, जो वॉल्यूम का फंक्शन बनाया हुआ, तो आपका पूरा जो फंक्शन है ना वो एक वेरिएबल में आ जाएगा, फिर अभी तो दो वेरिएबल में है, यहां पे डालते हैं एक्स की वैल्यू इस जगह पे, देखो तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, 4/3 पाई वाई क्यूब सेम 2/3 एक्स क्यूब, अब देखो इसको कैसे लिखूंगा मैं, ये तो है हाँ, इसकी होल पावर ना हाफ है एस माइनस 4π/r² / 6 की, तो हम यहाँ पे काम करते हैं एस माइनस 4π/y² / 6 की हाफ पावर के साथ क्यूब लगा देते हैं, तो ये बन गया 3/2, कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही रहने देना, घबराने की जरूरत नहीं है इससे। अब आप इसका dv/dy निकालो जल्दी से जरा भाई, वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन एक ही वेरिएबल है वाई उसके रिस्पेक्ट में,
अगर बैक करने एक बार डिफरेंशिएट करूं, देखो डिफरेंशिएशन तो आसान है, देखो थोड़ा चेन रूल लगाना है बस, डीवी अपॉन डीवाई निकालते हैं, देखो 4 अपॉन 3 ऐसी रहेगा, पाई भी ऐसी रहेगा, वाई क्यूब का करोगे 3 वाई स्क्वायर हो गया, 3 से 3 कैंसिल कर दो, लो यहाँ पे 2 अपॉन 3 ऐसी रहेगा, इसमें होल ब्रैकेट की पावर आगे लाओ, ये ऐसी रहेगा ब्रैकेट, होल पावर एक लेस होके रह जाएगी हाफ, फिर मल्टीप्लाई ब्रैकेट का अलग से करो, एस का तो 0 माइनस 4 पाई वाई स्क्वायर का 2 पावर आगे आ गई वाई स्क्वायर की 8 पाई वाई अपॉन 6, ये है डिफरेंशिएशन। नहीं नहीं हम ये मान के चलेंगे मिनिमम है ना, हम सेकंड डेरिव कभी नहीं निकालेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन में। यहाँ देखो ये 2 से 2 गया, ये 3 से 3 गया, अब इसको 0 के इक्वल रखने जा रहा हूँ मैं, ठीक है, तो देखना क्या करेंगे, ये वाला जो पार्ट है ना सेकंड वो नेगेटिव है, तो यहाँ तो रह जाएगा 4 पाई वाई स्क्वायर इक्वल टू में आ जाएगा एस माइनस 4 पाई वाई स्क्वायर अपॉन 6 होल पावर हाफ इंटू माइनस 8 पाई वाई अपॉन 6। कैंसिलेशन करते हैं थोड़ा बहुत जितना भी हो जाता है, 2 से 3, 2 से 4, 4 से आमने सामने 4, पाई से पाई और उस वाले y से ये y का स्क्वायर, अब ये 3 जाएगा इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में, माइनस तो हट जाएगा, हाँ माइनस हट जाएगा वाला, ठीक कह रहे हो बिल्कुल, क्योंकि हम उधर ले जाके इसको प्लस कर चुके हैं। अब देखो 3 को ना एक तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई में यहाँ भेजेंगे y के पास और साथ साथ ना स्क्वायरिंग भी कर लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा देखो 9y स्क्वायर और यहाँ स्क्वायरिंग करने से हाफ पावर कैंसिल हो गई, ये रह गया s माइनस 4 पाई स्क्वायर अपॉन 6। एक काम करो यहाँ से ना मुझे s की वैल्यू निकाल के बताओ जरा, जैसे ये 9 6 जा 54 हो गए ना, 54y स्क्वायर प्लस 4 पाई वाई स्क्वायर इक्वल टू s, कॉन्स्टेंट निकाल लिया, आपको पता है मैंने कॉन्स्टेंट क्यों निकाल लिया, मैंने y क्यों नहीं निकाला, देखो मेरे को जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो x और y के रिलेशनशिप में दिए हुए हैं, ठीक है, तो मेरे को बीच में से किसको हटाना चाहिए, मुझे y और x में आंसर चाहिए, तो इसलिए मैंने s को गायब करने की कोशिश की है, तो यहां से कहां गया हमारा ये जो s की वैल्यू निकाली है ना आपने, अब इस वैल्यू को वहीं रख दो जहां आपने इसको यूज किया था, देखो पीछे चलते हैं, यहां पे रख दो इस जगह पे, यहां पे s की वैल्यू पुट करके अब देखो रिलेशनशिप क्या आ रहा है, क्या x इक्वल टू 2y आ रहा है, 3y आ रहा है, क्या आ रहा है, तब आपका एक ऑप्शन मैच करेगा। तो डिफरेंशिएशन हमने कर लिया विद रिस्पेक्ट टू, हमने उसको वाई कर दिया डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, ये डिफरेंशिएशन है हमारा, फिर जब जीरो के को रखा तो नेगेटिव पार्ट जीरो में ऐड कर दिया, आमने सामने जो कटता था उसे काट दिया, उसके बाद थ्री बचा था इसको वहां भेजा और स्क्वायरिंग कर दी, भाई स्क्वायरिंग नहीं करोगे तो रूट से बाहर नहीं आ सकता ये वाला वाई स्क्वायर, और उसके बाद हमने वाई की वैल्यू निकाल ली, सॉरी ऑप्शन दिखा दो एक बार, हाँ ऑप्शन देखो इसके, ये है एक्स इक्वल टू 2y है, 3y है, 2x है, 3x है, हाँ देखो सर बी बी आ रहा है, मैं चेक कर लेता हूँ, चलो एक्स इक्वल टू 3y, देखो ये डिफरेंशिएशन है, सिंपल सिंपल डिफरेंशिएशन है बहुत, हाँ आपको रूट पर लगे होंगे, अनुप्रीति का भी बी आ रहा है, यस सर बी आ रहा है, बी आ रहा है, एक बार चेक करो, देखो एक्स इक्वल टू 3y आ रहा है, एक्स इक्वल 3y आ रहा है, तो फिर तो ऑप्शन बी मैच कर गया। अब तो बस आपने क्या करना है, ये जो s की वैल्यू है ना 54y स्क्वायर प्लस 4pi y स्क्वायर, इसको यहाँ डालना है, देखो x इज इक्वल्स टू होल अंडर रूट 4pi y स्क्वायर और क्या वैल्यू है प्लस 54y स्क्वायर अपॉन 6, अच्छा ये माइनस 4pi y स्क्वायर पहले से है तो ये कैंसिल हो गया, 6 से ही 54 कैंसिल हो गया, 9y स्क्वायर और 9y स्क्वायर का स्क्वायर रूट x इक्वल टू आ गया 3y, तो ये आपका ऑप्शन बी मैच कर गया, ठीक है, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अब इसका फोर्थ पार्ट सुनो, ठीक है शुभम सभी का बी आ गया ये, तो अब इसका फोर्थ पार्ट सुनो, फोर्थ पार्ट क्या है, डिफ्रेंशिएट कर लिया जीरो के इक्वल रख दिया, वहां से हमारी वाई की वैल्यू भी आ गई, अब ये फोर्थ पार्ट में कहते हैं वैल्यू ऑफ मिनिमम
वॉल्यूम इज, अब वॉल्यूम की वैल्यू भी निकाल के बतानी है। तो देखो आपने क्या करना है, सिंपल सा बताता हूँ। पहले तो आप ऑप्शन देख लो ऑप्शन किस फॉर्म में, उस हिसाब से बताना। जैसे पहला वॉल्यूम है 4/3 x³ ब्रैकेट 1+2π/27, मतलब आपका जो ऑप्शन है इन टर्म्स ऑफ एक्स है पहला, दूसरा भी शायद इन टर्म्स ऑफ एक्स दिया हुआ है 2/3 x³ ब्रैकेट 1+4π/27, तीसरा ऑप्शन है 4/3 x³ ब्रैकेट 1+, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 4/3 x³, मतलब आपका जो वॉल्यूम है ना वो इन टर्म्स ऑफ x है, ठीक है ना। तो आप एक काम करो, ये जो s की निकाली हुई है ना वैल्यू, इसी का यूज कर लो और y की जगह 3x पुट कर दो। कहां पे देखो, अच्छा नहीं ऐसा तो यूज ही नहीं होगा, यहाँ पे पुट करना है बस आपको। ये वॉल्यूम था ना आपका पहला पार्ट जो था, दूसरा वाला पार्ट, इसमें आपके वॉल्यूम को इन टर्म्स ऑफ x प्रूव किया गया है। तो आप देख लो x की वैल्यू पुट करोगे या y की पुट करोगे, ऑप्शन आपने b मैच करवाया था यहाँ पे। आप समझे मेरी बात, वॉल्यूम निकालना है और इन टर्म्स ऑफ x निकालना है। सर ऑप्शन दिखा दीजिए, ऑप्शन देख लो। ये ऑप्शन है, सारे ऑप्शन ना इन टर्म्स ऑफ एक्स हैं। एक्स का मतलब है कि आपको वाई हटाना है वॉल्यूम में से। अच्छा शुभम का भी डी आ रहा है, ठीक है। एक काम करते हैं, मैं जरा वॉल्यूम निकाल के देख लेता हूँ। 4/3π y³ था तो y की जगह पुट कर दिया x/3³, है ना, क्योंकि हमें ऑप्शन x में चाहिए, और प्लस में था 2/3 x³। सॉल्व करते हैं, इसमें से 2/3 कॉमन, x³ कॉमन, यहाँ रह गया 2 × 1/27π और प्लस 1, तो 2/3 x³ 1+2π, यस ऑप्शन डी मैच कर गया भाई, करेक्ट है। डन, सबका डन हो गया। क्लियर हो गया सबको, क्वेश्चन आंसर करेंगे वाला।